नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे सन्यासी देवानंद जी के साथ आज का हठ योग। मैं सन्यासी देवानंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरिओम तत्सत। शांति पाठ से शुरू करेंगे। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर, चिन मुद्रा की स्थिति में, आंखें सहजता से बंद, पूरा शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में। ध्यान पूरे शरीर पर, बी अवेयर ऑफ योर होल बॉडी, फील योर बॉडी। महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को एक साथ। शरीर में अगर कहीं भी तनाव है तो उसे दूर कीजिए और पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल और ढीला रखिए। लेट गो ऑफ ऑल द फिजिकल टाइटनेस एंड टेंशन। फील द फर्म सपोर्ट ऑफ द फ्लोर। बी अवेयर ऑफ योर स्पाइन राइजिंग अप फ्रॉम द फ्लोर, सपोर्टिंग योर बॉडी इन द वर्टिकल पोजिशन। अपने मेरुदंड के प्रति सजग बनिए। शरीर का पूरा पीछे का भाग, पूरा आगे का भाग, पूरा शरीर एक साथ। फील योर होल बॉडी टुगेदर, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू, मूर्तिवत। पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर रखिए, मूर्तिवत, आंखें बंद। अब मानसिक रूप से अपने शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। मेंटली ट्राई टू सी योर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आप अपने शरीर को देख रहे हैं ऐसा मन में कल्पना कीजिए। जस्ट लाइक अ स्टैच्यू। अब जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उसके प्रति सजग बनिए और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनिए। अवेयरनेस ऑफ द प्लेस वेयर यू आर एंड द सराउंडिंग्स। देन पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास का ध्यान। जब हम श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो मन एकाग्र होता है। वेन वी ऑब्जर्व द ब्रीदिंग अवर माइंड बिकम्स मोर काम एंड फोकस्ड। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू द आईब्रो सेंटर। अब भ्रूमध्य पे अपने ध्यान को ले आइए और वहां पर एक चमकती हुई दिव्य ज्योति का मानस दर्शन। पहले
Mentally visualize a bright and still candle flame at the eyebrow center. Keeping the awareness there, we will chant Om three times and Shanti Path. ध्यान को भ्रूमध्य में केंद्रित रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और शांति पाठ। ब्रीद इन डीपली फॉर ओम चैंटिंग। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराइए। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। आंखों को बंद ही रखिए, कीप द आईज क्लोज्ड। Now we are going to chant the Guru Stotram to invoke the grace of the Guru. अब हम लोग गुरु स्तोत्रम का पाठ करेंगे गुरु के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। रिपीट आफ्टर मी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। नाउ वी आर गोइंग टू चैंट टू इंपॉर्टेंट मंत्रास। द फर्स्ट वन इज
महामृत्युंजय मंत्रा। महामृत्युंजय मंत्रा इज अ मंत्रा फॉर हीलिंग, इम्यूनिटी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एंड व्हेन वी चांट द महामृत्युंजय मंत्रा, हैव दिस संकल्पा इन योर माइंड। एंड वी चांट द महामृत्युंजय मंत्रा विद दिस संकल्पा, इट मेटेरियलाइजेस द संकल्पा। अब हम लोग दो महत्वपूर्ण मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। इस भावना के साथ हम लोग 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे एक साथ। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आंखें बंद करके इसका श्रवण कीजिए और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द चैंट्स, इट्स ऑल राइट, यू कैन कीप द आईज क्लोज एंड लिसन टू द वाइब्रेशन ऑफ द मंत्रास। विल चैंट ऑल टुगेदर। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरिः ॐ। सेकेंड वन इज गायत्री मंत्रा। वी विल चैंट द गायत्री मंत्रा 5 टाइम्स विद द संकल्पा फॉर इनर क्लैरिटी, इंट्यूटिव विजडम एंड ब्लॉसमिंग ऑफ अवर इनर क्रिएटिव पोटेंशियल। अब हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 5 बार। आंतरिक स्पष्टता और अपने अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरिः ओम। हरिओम तत्सत। नाउ यू कैन रब योर पाम्स एंड डू पामिंग। टुडे
टू थ्री टाइम्स यू कैन डू द काउंटिंग। एंड देन यू कैन जेंटली ओपन योर आईज। हरिओम तत्सत। सो वी विल बिगिन द आसना प्रैक्टिस विद द पवन मुक्तासन। यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड। अपने पांव को सामने फैलाइए। कमिंग टू द बेस पोजिशन और पवन मुक्तासन पार्ट वन प्रारंभिक स्थिति। अब हम लोग शुरू करेंगे पांव की उंगलियों के लिए अभ्यास। याद रहे आसन करते समय तीन चीजों का ख्याल रखना है, एक तो शरीर की गति, दूसरा श्वास प्रश्वास की गति और तीसरा अपनी सजगता को अभ्यास में लगाना। वी हैव टू कीप थ्री थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट इज द फिजिकल मूवमेंट, सेकेंड इज द ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन एंड थर्ड इज अवेयरनेस। एज यू ब्रीद इन बेंड योर टोज बैकवर्ड, ट्राइंग टू सेपरेट योर टोज फ्रॉम ईच अदर। एंड एज यू ब्रीद आउट मूव योर टोज फॉरवर्ड। श्वास लेते हुए पांव की उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। पूरा ध्यान पांव की उंगलियों पर। तीन बार और कीजिए अपने मन से, आंखों को बंद रखते हुए। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। और तीन बार करने के बाद पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और पांव की उंगलियों में अगर कोई अनुभव हो रहा हो तो उसे महसूस कीजिए। फील द सेंसेशन इन योर टोज। Next practice is an ankle bending. Stretch your feet forward, breathing in backward. Saans lete hue panjon ko piche kijiye. Saans chhodte hue aage. Inhaling backward, exhaling forward. Inhale backward, exhale forward. Teen baar aur. धीरे धीरे कीजिए, एकदम धीरे धीरे श्वास की गति के साथ। आंखों को बंद रखिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉर द एंकल्स अगेन। In this, you are going to move the ankles, you know, from the ankles, you are going to move the feet. Stretch your feet forward, do along with me. Inhaling to your right side and back. Exhaling to your left side and front. Chaliye shuru kijiye. Swaas lete hue piche, swaas chhodte hue aage. Karte jaiye. Swaas lete hue piche. श्वास छोड़ते हुए आगे। दो बार और। एंड नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इनहेलिंग बैकवर्ड, एक्सहेलिंग फॉरवर्ड। फाइव राउंड्स। यू कैन कीप द आईज क्लोज्ड, फोकस ऑन द मूवमेंट फ्रॉम द एंकल जॉइंट। And after completing, relax your feet. And notice the effect on the ankle joints and calf muscles. This is a very important practice for improving the blood circulation in the body. Next practice is for the knee joint. Ghutnon ke liye abhyas. Interlock your fingers under the right thigh. Inhale, straightening your knee, right knee. Exhale, bend your knee and press your thigh to the abdomen. Swaas lete hue, ghutne ko seedha kijiye. Swaas chhodte hue, jaang ko pet pe dabaiye. Inhale, exhale. Paanch baar aur kijiye.
वन वन, टू टू, थ्री थ्री, कीपिंग द आईज क्लोज्ड, फोर फोर, फाइव फाइव, एंड रिलैक्स, फील द इफेक्ट ऑन द राइट नी एंड द राइट लेग एंड कंपेयर इट विद द लेफ्ट नी एंड द लेफ्ट लेग. Can you feel any difference? So it'll give you an idea of the effect of the practice. Now with the left leg, coming to the starting position, then start. As you inhale, straighten your knee. As you exhale, press your thigh to the abdomen. Inhaling, straighten the knee. Exhaling, bend. Swas lete hue, ghutne ko seedha kijiye. श्वास छोड़ते हुए जान को पेट पे दबाइए. फाइव मोर राउंड, पांच बार और. वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, देन रिलैक्स, फीलिंग द इफेक्ट ऑन द लेफ्ट नी एंड द लेफ्ट लेग. Now butterfly, Itli Asana. Hold your toes and start moving your knees up and down. दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करते जाइए थोड़ी देर. It's a very good practice to improve the flexibility of the hip joints. And it will prepare you to sit in Padmasana or any meditative asana. And the flexibility improves in the hip joints. And then you can raise your knees up and stretch your legs forward. And then sit in the cross-legged posture. Those who have difficulty sitting cross-legged, they can sit with the legs stretched. That is also fine. Practice for the fingers. As you inhale, stretch your fingers away from each other. As you exhale, thumb inside and clench your fists. Inhale, stretch. Exhale, clench. Inhale, open and stretch. Exhale, clench. Swas lete hue haathon ki ungliyon ko phailaiye. Swas chhodte hue mutthi bandhiye. Char bar aur kijiye aankhein band rakhte hue. Two, two, three, three, four, four, and then relax, keeping your hands on the knees. Notice the sensation in your fingers and palms. You may be able to notice some tingling and warmth. Next practice is for the wrist joint. You can follow me. Take your hands forward, thumb inside, clench your fist. Now take your hands up. Inhale here. Exhaling, take your hands to your right side and down. Inhaling, left side and up. Exhaling down, inhaling up. Three more rounds in a circle. तीन बार और कीजिए. इसमें आंखों को खुला रख सकते हैं और देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं.
फिर उल्टी दिशा में, इनहेलिंग अप एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप एक्सहेलिंग डाउन, 3 बार और। श्वास की गति के साथ रिलैक्स, फीलिंग द इफेक्ट ऑन द रिस्ट एंड द फोर आर्म मसल्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉर द एल्बो जॉइंट्स, फिंगर्स ऑन द शोल्डर्स, एल्बोज पैरेलल टू योर शोल्डर्स, इनहेल स्ट्रेटनिंग योर एल्बोज, एक्सहेल बेंड। श्वास लेते हुए किडनियों को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए, 5 बार और। 1 1 2 2 3 4 4 5 5 एंड रिलैक्स। Keeping the eyes closed, feel your elbow joints. Next practice is for the shoulder joints. कंधों के लिए अभ्यास। अपने हाथों की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखिए, कोहनियों को आपस में मिलाइए। श्वास लेते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से नीचे, धीरे धीरे कीजिए। डू इट स्लोली एट दिस पेस। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, अवेयरनेस ऑन द शोल्डर मूवमेंट, 2 मोर राउंड्स। 2 बार और कीजिए। ध्यान कंधों पर, कंधों की जो गति हो रही है उस पर, आंखें बंद। एंड देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इनहेलिंग टेकिंग योर एल्बोज अप फ्रॉम द साइड्स, एक्सहेलिंग डाउन फ्रॉम द फ्रंट, 2 अप 2 डाउन, 3 अप 3 डाउन, 2 मोर राउंड्स। And then relax your shoulder joints. Feel the effect on the shoulder joints. You may be able to notice some warmth in the shoulder joint. कंधों में इसका जो प्रभाव पड़ा उसे महसूस कीजिए। अगला अभ्यास गर्दन के लिए। गर्दन के लिए 3 अभ्यास करेंगे। पहला है सिर को ऊपर नीचे करना, और ध्यान रहे गर्दन के अभ्यासों में बिल्कुल सजगता के साथ कीजिए, सावधानी के साथ कीजिए। जिनको गर्दन में दर्द हो, तकलीफ हो, वो बहुत ही सावधानी के साथ कीजिए। थोड़ा सा भी दर्द हो तो उसको रोक दीजिए वहीं। यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, नॉट टू स्ट्रेन योर सेल्फ, स्पेशली दोज हू हैव नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इनहेलिंग रेज योर चिन अप, एक्सेलिंग स्लोली डाउन, धीरे धीरे। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को गले की तरफ लाना है, 3 बार और। इनहेलिंग अप, फील द स्ट्रेच इन योर थ्रोट, जेंटल स्ट्रेच, एक्सेलिंग फील द स्ट्रेच इन द बैक ऑफ योर नेक, 2 बार और। और फिर सिर को सीधा कीजिए। दूसरा अभ्यास साइड वाइज। पहले श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ ले जाइए। टर्न योर हेड टू योर राइट साइड एज यू ब्रीथ आउट। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा,
श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सीधा। ब्रीदिंग आउट टू योर राइट साइड, ब्रीदिंग इन सेंटर, ब्रीदिंग आउट टू योर लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग इन सेंटर। कंटिन्यू 3 मोर राउंड्स, धीरे धीरे 3 बार और कीजिए। फिर गर्दन को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर नेक। थर्ड वन इज बेंडिंग द हेड साइड वाइज, ब्रीद इन द सेंटर, ब्रीदिंग आउट, बेंड योर हेड टू योर राइट साइड। सिर को दाहिनी तरफ मोड़िए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सीधा। कंधों को बिल्कुल ढीला रखिए, कंधों को ऊपर नहीं उठाना है। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सीधा। 3 बार और कीजिए, धीरे धीरे आराम से। डू दिस प्रैक्टिसेस वेरी स्लोली विथ अवेयरनेस, फीलिंग द मूवमेंट एंड द ब्रीदिंग। Though they look as very simple practices, but they are very, very effective in improving the energy circulation in the body, the blood circulation in the body. And eventually, it will flush out all the toxins from the joints, improving the flexibility of the joints. After completing the 3 movements, feel your neck. ये बहुत ही सरल अभ्यास दिखते हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर पर। जितने भी जॉइंट्स है बॉडी में, उनमें रक्त का संचार और प्राण का संचार अच्छी तरह से होता है क्योंकि अभ्यास से, और एक लाइटनेस का अनुभव, एक लघुता का अनुभव हमारे शरीर में होता है। अगला अभ्यास मार्जरी आसन, नेक्स्ट इज द कैट पोज। Get ready for the cat pose. Coming to the starting position of cat pose. Standing on your hands and knees, balancing your body equally on your hands and knees. Remember, the knees should be separate, hip width apart, hands shoulder width apart, body well balanced. Now we will start. As you inhale, raise your head up, lowering the middle of your spine down. Exhale, head down, middle of the back up. Inhaling, raise your head up, lowering the spine down. Exhaling, head down, middle of the spine up. धीरे धीरे कीजिए, आराम से। श्वास लेते हुए सिर को उठाना है, पेट का बीच का हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ का बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ। आंखों को बंद रखते हुए 7 बार इसका अभ्यास और कीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। डू इट 7 मोर राउंड्स ऑन योर ओन, वेरी स्लोली इन कोऑर्डिनेशन विद द ब्रीदिंग। श्वास की गति के साथ, धीरे धीरे आराम से। शरीर में जो भी अनुभव हो रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। मन को एकाग्र करके अभ्यास करना है। अगर मन इधर उधर भागता है तो
तो इस आसन के अभ्यास का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड एंड हैविंग डिफरेंट थॉट्स गोइंग ऑन, देन यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द आसन। दैट्स द रीजन यू शुड फोकस योर माइंड ऑन द प्रैक्टिस, एंड दिस हैज टू बी ए कॉन्स्टेंट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। और ये आपकी तरफ से एक सतत प्रयास रहना चाहिए कि मेरा मन अभ्यास में पूरी तरह संलग्न रहे। आफ्टर कंप्लीटिंग द मार्जरी आसन, यू कैन रिलैक्स इन शशांक आसन। सिट ऑन योर हील्स, पुटिंग योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। एंड इफ यू आर अनेबल टू टच द फोरहेड ऑन द फ्लोर, यू कैन क्लिंच योर फिस्ट एंड रेस्ट योर फोरहेड ऑन योर हैंड। Now you can slowly get up for the standing asanas. अब हम लोग खड़े होकर करने वाले अभ्यास करेंगे। इसके लिए खड़े हो जाइए। पहला अभ्यास ताड़ासन का। Interlock your fingers, hands on the top of your head, palms facing upwards. Look forward at one point and then start. सामने एक बिंदु पर देखिए और शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए, एड़ियां ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाइए, हाथों को सिर पर लाइए। इनहेलिंग कम अप, स्ट्रेचिंग योर होल बॉडी अप। एक्सहेलिंग स्लोली डाउन। इनहेलिंग अप, फील द स्ट्रेच इन योर बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेच इक्वली इन डिफरेंट पार्ट्स। एक्सेलिंग डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर जाइए और जो शरीर में खिंचाव हो रहा है उसको महसूस कीजिए और उसको बराबर महसूस कीजिए पूरे शरीर में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार अपने मन से इसका अभ्यास कीजिए। डू 5 more rounds। 1 up 1 down। 2 up 2 down, 3 up 3 down, 4 up 4 down, 5 up, stretch fully as much as you can, 5 down. Then relax. Hands beside the body, eyes closed, and relax. After every asana, when you relax, that is the time you should concentrate on the effect of the practice. प्रत्येक आसन के बाद जब आप थोड़ी देर विश्राम करते हैं, उस समय उसके प्रभावों को अपने शरीर में महसूस कीजिए। तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। नाउ वी विल गो टू तिर्यक ताड़ासन। साइड वाइज स्ट्रेच, कीप योर फीट अपार्ट, इंटरलॉक योर फिंगर्स, हैंड्स ऑन योर हेड। एज यू इनहेल रेज योर हैंड्स अप, एज यू एक्सहेल बेंड योर बॉडी टू योर राइट साइड। Inhaling up, exhaling to the left. Inhaling up. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ मोड़िए, श्वास लेते हुए बीच में जितना हो सके उतना ही कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सीधा। 3 बार और कीजिए।
धीरे धीरे, ब्रीदिंग आउट, बेंडिंग टू योर राइट साइड, ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट, बेंडिंग टू योर लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग इन अप टू द राइट, दाहिनी तरफ शरीर को मोड़िए, फिर धीरे धीरे बीच में, फिर बाईं तरफ मोड़िए, फिर धीरे धीरे बीच में, एक बार और कीजिए अपने मन से, बिल्कुल आराम से, और कहां पर खिंचाव हो रहा है इसका अनुभव कीजिए। और उसके बाद दोनों हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद और शरीर को विश्राम की स्थिति में रखिए, खड़े खड़े। रिलैक्स योर बॉडी इन द स्टैंडिंग पोजीशन, कीपिंग द आईज क्लोज्ड। फील योर बॉडी, तिर्यक ताड़ासन के प्रभाव को महसूस कीजिए अपने शरीर में, खास करके साइड में जो भाग है। फील द स्ट्रेच इन योर वेस्ट रीजन। नेक्स्ट इज कटी चक्रासन, द स्पाइनल ट्विस्ट। गेट रेडी, अब कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। फीट अपार्ट, आर्म्स पैरेलल टू योर शोल्डर्स एज यू ब्रीद इन। एज यू ब्रीद आउट, टर्न टू योर राइट साइड, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट शोल्डर, राइट हैंड अराउंड योर वेस्ट, लुक बैक। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेल, टर्न टू योर लेफ्ट साइड, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड अराउंड योर वेस्ट, ब्रीदिंग इन सेंटर। कंटिन्यू, दाहिनी तरफ मुड़िए, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में। अब थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे इसको, फास्ट करेंगे थोड़ा। स्टार्ट डूइंग इट अ लिटिल फास्टर, इंक्रीज द स्पीड एंड डू 10 more rounds फास्ट। 10 बार जल्दी जल्दी कीजिए। और करने के बाद हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद, और इसके प्रभाव को बंद आंखों से अपने शरीर में महसूस कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑन योर बॉडी एंड कीप द आईज क्लोज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू सूर्य नमस्कार। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था, दूसरे दिन जिस दिन हम सूर्य नमस्कार किए थे, कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं है। सूर्य नमस्कार में हम अपनी भावना और अपनी कृतज्ञता सूर्य को अर्पित करते हैं। इस भाव से हमको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। When we do सूर्य नमस्कार, it's not merely a physical exercise, but it is a process in which we offer our gratitude to the sun. And when we do so, we become more receptive to the energy. और ऐसा करने से हम अपने आप को सही पात्र बनाते हैं सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। सबसे पहले उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए, मानस दर्शन कीजिए, एंड कम टू द फ्रंट ऑफ योर योगा मैट। अपने योगा मैट के आगे के भाग में आ जाइए सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। आंखों को बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान, मेंटली विजुअलाइज द राइजिंग सन, फील द कनेक्शन विद द राइजिंग सन, मेक इट एज लाइवली एज यू कैन।
एंड देन ज्वाइन योर हैंड्स इन प्रणाम आसन विद द फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू द राइजिंग सन। तब दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए छाती के पास और मन में सूर्य के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव। इसी भाव के साथ अभ्यास करेंगे। नाउ विल बिगिन। दिस इज पोजिशन 1। 2, रेजिंग योर आर्म्स अप, लुकिंग अप। 3, बेंडिंग फॉरवर्ड। जिनको कमर में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें। 4, राइट लेग बैक, राइट नी डाउन ऑन द फ्लोर, लुक अप। 5, लेफ्ट लेग ऑल्सो बैक, माउंटेन पोज। 6, नीज चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर। 7, रेजिंग योर हेड नेक एंड चेस्ट अप, कमिंग टू भुजंगासन। 8, माउंटेन। 9, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, रिमेंबर विच लेग यू हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड, विच लेग यू हैव टू टेक बैक। 10, राइट लेग। 11, रेजिंग योर आर्म्स अप। 12, ज्वाइनिंग योर हैंड्स। दिस इज हाफ राउंड। यू टुक द राइट लेग बैक, नाउ वी आर डूइंग विद द लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, bend forward, 4, left leg back, 5, mountain, 6, knees, chest and chin on the floor, 7, raising your head, neck and chest up, Bhujangasana, 8, mountain, 9, right leg forward, 10, left leg, 11, raising your arms up, 12, join your hands। ये हुआ एक राउंड, दो बार और करेंगे। 1, join your hands in pranamasan, 2, raise your arms up, 3, bend forward, 4, right leg back, look up, 5, mountain, 6, knees, chest and chin on the floor, 7, head and chest up, 8, mountain, 9, left leg forward, 10, right leg forward, 11, raising your arms up, 12, joining your palms in pranamasana. 1, breathe in and out, 2, breathe in, raising your arms up, 3, breathe out, 4, left leg back as you breathe in, 5, breathing out, right leg also back, 6, breathe in and out, 7, breathe in, 8, breathe out, 9, breathe in, right leg forward, 10, breathe out, 11, breathe in, 12, breathe out। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे कीजिए अपनी क्षमता अनुसार, बिल्कुल भी कष्ट नहीं करना है, आराम से करना है। 1, breathe in and breathe out, श्वास पे ध्यान कीजिए। 2, breathe in, 3, breathe out, 4, breathe in, 5, breathe out, 6, breathe in and out, 7, breathing in, 8, breathing out, 9, breathing in, 10, breathing out, 11,
इन 12 आउट, एक बार और, वन ब्रीद इन एंड आउट, टू ब्रीद इन, थ्री ब्रीद आउट, फोर ब्रीद इन लेफ्ट लेग बैक, फाइव ब्रीद आउट, सिक्स ब्रीद इन एंड आउट, सेवन ब्रीद इन, एट ब्रीद आउट, नाइन ब्रीद इन राइट लेग फॉरवर्ड, 10 ब्रीद आउट, 11 इन, 12 आउट. नाउ क्लोज योर आईज, हैंड्स बिसाइड द बॉडी, फीलिंग द इफेक्ट ऑन द बॉडी. आंखों को बंद रखिए, हाथ शरीर के बगल में. अब इसके प्रभाव को अपने शरीर में महसूस कीजिए. सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होने लगता है. सूर्य नमस्कार इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी एंड ऑल्सो द एनर्जी फ्लो, रिमूविंग ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. अब शवासन में लेट जाइए. नाउ यू कैन लाई डाउन इन शवासन. और शवासन में लेट करके अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए. बी अवेयर ऑफ योर होल बॉडी, फीलिंग द इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार इज नॉट ओनली एन प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी एंड हेल्पिंग द बॉडी, बट इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस टू इंप्रूव अवर एनर्जी फ्लो, एनहैंसिंग द एनर्जी फ्लो इन द बॉडी. एंड वंस द एनर्जी फ्लो इज एनहैंस्ड, यू डिवेलप मोर कॉन्फिडेंस. जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो इससे ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में अच्छी तरह से होने लगता है, प्राण शक्ति का, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है. और ये निश्चित रूप से होता है, जो रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हैं उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रहता है. इसीलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर में अच्छी तरह से होता है और आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ता है. आप खुद इसका अभ्यास नियमित रूप से करके देखिए और अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से देख पाएंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. टेक सम डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट. When you inhale, feel that the whole body is expanding like a balloon. जब आप श्वास लेते हैं तो महसूस कीजिए पूरा शरीर एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है, और श्वास छोड़ते समय पूरा शरीर बिल्कुल ढीला और शिथिल हो रहा है. When you breathe out, feel the body shrinking and relaxing. तीन बार और कीजिए लंबी गहरी श्वास. और उसके बाद हम लोग अब अगले अभ्यास के लिए अग्रसर होंगे. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. द नेक्स्ट प्रैक्टिस हैज टू बी डन इन दिस लाइंग डाउन पोजीशन ओनली. अगला अभ्यास शवासन में लेटे लेटे ही करना है. इसका नाम है पाद उत्थान आसन, द लेग रेजिंग. Feet together, hands beside the body. As you inhale, you have to raise your right leg as up as you can. And as you breathe out, slowly down. Inhaling, left leg up.
एक्सेलिंग स्लोली डाउन। चलिए शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाइए, जितना उठा सकते हैं 90 डिग्री तक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाइए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए, घुटना सीधा रखते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आंखों को बंद रखना है, करते जाइए। दाहिने पैर ऊपर, राइट लेग अप एज यू इनहेल, डाउन एज यू एक्सेल। लेफ्ट लेग अप, कीपिंग द नी स्ट्रेट, एंड डाउन एज यू एक्सेल। यू कैन डू 5 मोर राउंड्स ऑन योर ओन। बिल्कुल धीरे धीरे 5 बार और कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार। इस अभ्यास से पेट में इसका प्रभाव पड़ता है, पेट में जो मसल्स है उसको ये टोन अप करता है। इट टोन्स अप द मसल्स ऑफ योर एब्डोमेन, वेरी गुड फॉर द एब्डोमेन, ऑल्सो गुड फॉर द नीज। दोज हू हैव पेन इन योर नीज, फॉर देम ऑल्सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस एंड गुड फॉर द लोअर बैक। Doing it slowly, comfortably. And after completing 5 rounds with right and left leg, if you feel comfortable, you can try with both the legs, but don't strain yourself. अगर आपको आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो आप दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं बहुत ज्यादा है तो फिर एक एक पांव से ही और 3 बार कर सकते हैं। 3 more rounds with both the legs if you can. Don't strain yourself, don't push yourself too much. Do it slowly, only if you are able to do. धीरे धीरे, बहुत ही सावधानी के साथ। अगर आराम से कर सकें तब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए प्रयास कीजिए धीरे धीरे नीचे लाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। एंड After you finish with both the legs, you can relax in Shavasana. Now, pay attention to your abdomen. अब अपने पेट पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसे महसूस कीजिए। Feel your abdomen. पूरा ध्यान पेट पर। पेट पर इसका जो प्रभाव पड़ा उस पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अगला अभ्यास कंधार आसन का। पांव के घुटनों को मोड़िए, बेंड योर नीज, होल्ड योर एंकल्स इफ यू कैन, कीपिंग योर फीट अपार्ट, इफ यू कांट इट्स ऑल राइट। Now, as you inhale, lift your hips and buttocks as up as you can. Exhaling slowly down. Swas lete hue apne kamar ke bhag ko upar uthaiye,
नितंबों को ऊपर उठाइए, लोअर बैक और बचेक्स को जितना उठा सकते हैं, और थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। 2 बार और कीजिए, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। Those who have weakness in the back or back pain, for them it's a good practice. Practice to strengthen the lower back region. And after completing, release your legs and relax. Feeling the effect on the lower back. Next one is the spinal twist. अगला अभ्यास सुप्त उदर आकर्षण, देख लीजिए। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो सीधा शुरू कर दीजिए। Interlock your fingers under the head, bend your knees and bring your knees closer to your chest. Here you breathe in. As you breathe out, taking your knees to your right side, down on the floor, turn your head to the left side. Breathing in, center. Breathing out, knees to your left, head to your right. Breathing in, center. Continue in this manner, 5 rounds. 5 बार कीजिए। Doing it slowly and comfortably. धीरे धीरे आराम से कीजिए, श्वास की गति के साथ। श्वास लेते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए घुटने एक तरफ और सिर दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों घुटने हुए आपस में मिले हुए, पूरे अभ्यास के दौरान करते जाइए। और 5 बार करने के बाद शवासन में लेट जाइए। रिलैक्स योर बॉडी इन शवासन आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स एंड रिलैक्स। Now you can turn around and lie down on your abdomen. अब पेट के बल लेट जाइए। अध्वासन, you can see, you have to put your forehead on the floor and stretch your arms forward. This is called अध्वासन. Adhvasana is a very good practice for relaxing the entire back. पूरी पीठ के लिए, पूरे शरीर के पीछे के भाग के लिए बहुत ही आरामदायक और अच्छा आसन है अध्वासन। महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी पीठ को, रीढ़ की हड्डी को। कंधों को ढीला रखिए, पीठ के पूरे भाग को बिल्कुल ढीला और शिथिल छोड़िए अध्वासन में। पेट के बल आप लेटे हुए हैं, आपका सिर जमीन पर, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पूरा शरीर बिल्कुल आराम से
जमीन पर लेटा हुआ है, पेट के बल, ध्यान पूरे शरीर पर, अवेयरनेस ऑन द होल बॉडी विच इज लाइंग डाउन ऑन योर एब्डोमेन, एंड ट्राई टू रिलैक्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. इफ यू आर अनकंफर्टेबल देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस पॉस्चर एंड रिलैक्स इन शवासन. इफ यू आर ओके यू जस्ट बी देयर फॉर अ वाइल. अगर इस तरह से लेटने में कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो आप शवासन में लेट जाइए, नहीं तो थोड़ी देर इसी आसन में बने रहिए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़िए. लंबी गहरी श्वास लेते जाइए और छोड़ते जाइए. डीप ब्रेथ इन एंड आउट. एंड नाउ यू कैन स्लोली गेट अप एंड कम टू द सिटिंग पोजिशन. अब धीरे से उठ करके बैठ जाइए प्राणायाम के अभ्यास के लिए. प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले एक दो आई एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आंखों के लिए. ध्यान से देखिए, सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लाना है. देख लीजिए पहले एक बार अंगूठा ऊपर की तरफ, और फिर अपने दाहिने अंगूठे को देखना है और देखते हुए दाहिनी तरफ ले जाना है. सिर सीधा, आंखों को ही ले जाना है, फिर सीधा, फिर बाएं अंगूठे को देखते हुए बाई तरफ ले जाना है और फिर सीधा. ठीक, चलिए आप शुरू कीजिए. दाहिने अंगूठे को देखते हुए दाहिनी तरफ ले जाइए, सिर को सीधा रखिए, फिर दाहिना हाथ सामने, फिर बाएं अंगूठे को देखते हुए बाई तरफ ले जाइए, फिर सीधा. कंटिन्यू टू मोर राउंड्स. लुक एट योर राइट थंब व्हेन यू टेक योर राइट हैंड टू द साइड. लुक एट योर लेफ्ट थंब विदाउट टर्निंग योर हेड, ओनली द आईबॉल्स मूविंग विद द थंब. वन मोर राउंड. देन रिलैक्स. Close your eyes and relax, hands down. Next one, open your eyes. You have to keep your left hand on the knee and right hand diagonally up. Now, look at your right thumb, left thumb, right thumb, left thumb. सिर को सीधा रखिए, दाहिने अंगूठे को देखिए, बाएं अंगूठे को देखिए, दाहिना बाया, इस तरह से. You are moving your eyeballs. And now change the hands. Keeping your head straight. Look at your left thumb, right thumb, left thumb, right thumb, left thumb, right thumb. And then relax. Close your eyes, relax for a while. Next practice, up and down. Take your thumbs up, forward. Looking at your right thumb, take your hand up. Then fully down. Then center. Left hand fully up. Down, fully down. एंड देन सेंटर. दो बार और कीजिए. दाहिने अंगूठे को देखते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, फिर धीरे धीरे पूरा नीचे, फिर बीच में. बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए अंगूठे को देखते हुए, फिर पूरा नीचे और फिर बीच में. एक बार और.
फिर अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अगला अभ्यास ब्लिंकिंग, पलकों को झपकाना है। आंखों को बंद करिए, खोलिए, आंखों को बंद करिए, खोलिए, करते जाइए थोड़ी देर। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द आईज, टू रिलैक्स द आईज। एंड देन डू पामिंग। टू मेक द इफेक्ट्स ऑफ पामिंग मोर इफेक्टिव, वन टेक्निक, रबिंग द पाम्स। व्हेन यू कीप द पाम्स ऑन द क्लोज्ड आईज, इनहेल एंड फील द एनर्जी गोइंग फ्रॉम योर पाम्स टू योर आईज। हथेलियों को रगड़ करके जब आंखों पर रखते हैं तो श्वास अंदर धीरे धीरे लीजिए, और लेते समय महसूस कीजिए कि हथेलियों से जो ऊर्जा है वो आपकी आंखों में आ रही है। एक बार और कर लीजिए। When you rub, breathe out fully. You keep your palms on the eyes and breathe in, feeling the energy going from your palms to your eyes. And then gently open your eyes. Next practice is Nadi Shodhan Pranayam, alternate nostril breathing. Adopt the Nasagra Mudra. Close the right nostril, breathe in through the left nostril. Then close the left nostril, breathe out through right. In through right, out through left. In through left, out through right. In through right, आउट थ्रू लेफ्ट, बिल्कुल धीरे धीरे, पूर्ण सजगता के साथ, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, लंबी और गहरी श्वास, और धीरे धीरे दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। उसके बाद जिस नासिका से छोड़े हैं उसी से अंदर लीजिए और दूसरी से बाहर निकालिए, फिर जिससे छोड़े हैं उसी से अंदर लीजिए। इस तरह से थोड़ी देर करते जाइए। आंखों को बंद रखिए और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास की गति बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, इतनी स्लो कि आपको श्वास की आवाज सुनाई ना दे। The breathing has to be so slow that you are unable to hear the sound of the breath. There is no sound in the breathing. And your attention should be fully on the breath which is moving in the nostrils. Just be with the breath. No other thoughts. सिर्फ श्वास का ध्यान और कोई विचार मन में नहीं। धीरे धीरे एक नाक से श्वास अंदर जा रही है, दूसरी नाक से बाहर आ रही है, जिससे छोड़े हैं उसी से फिर से अंदर ले रहे हैं और दूसरे नासिका छिद्र से बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ी देर इसी अभ्यास को करते जाइए। और देखिए क्या आप अपने मन को इस अभ्यास में लगा सकते हैं थोड़ी देर। एंड जस्ट ऑब्जर्व इफ यू आर एबल टू होल्ड योर अटेंशन, योर माइंड ऑन दिस प्रैक्टिस फॉर फ्यू मोमेंट्स।
एंड नाउ यू कैन स्लोली लेट दिस राउंड बी द फाइनल राउंड देन कम बैक. धीरे धीरे वापस आइए. और दोनों नासिका छिद्र से जो श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है उस पर ध्यान. पे अटेंशन टू द ब्रेथ फ्लोइंग थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स. टू और थ्री स्लो एंड डीप ब्रेथ. दो या तीन लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे और पूरा ध्यान श्वास पर. And now slowly come back. Next one is Bhramari Pranayam, the humming. In Bhramari Pranayam, you have to plug the ears with the index finger. Keeping the eyes closed, you will make a humming sound. We will do it 5 times. You can start now. And when you do the humming, feel the vibration in your brain. मस्तिष्क में जो कंपन हो रहा है उसे महसूस करना है करते समय. शुरू कीजिए 5 बार. धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आइए और चिन मुद्रा में ले आइए अपने हाथों को, आंखों को बंद रखते हुए. भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कीजिए. फील द इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. कीपिंग योर हैंड्स इन चिन मुद्रा. Eyes closed. Bhramari Pranayam relaxes the mind, makes it calm, as you can feel right now. Bhramari के अभ्यास से चित्त शांत होता है, जैसा कि आप अभी महसूस कर रहे होंगे. और जब भी आपका मन चंचल हो इसका अभ्यास कर सकते हैं, विशेषकर रात को सोने से पहले. इसका अभ्यास अगर आप करें तो नींद अच्छी आती है. रात को सोने से पहले 9 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं. यू कैन डू 9 राउंड्स ऑफ भ्रामरी बिफोर गोइंग टू स्लीप टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप. नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू द आईब्रो सेंटर. भ्रूमध्य में अपने ध्यान को ले जाइए. वहां पर एक चमकती हुई दिव्य ज्योति का मानस दर्शन. विजुअलाइज अ ब्राइट एंड स्टिल कैंडल फ्लेम. वी विल चांट ओम 3 टाइम्स एंड शांति पाठ. 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और शांति पाठ. लंबी गहरी श्वास लीजिए. ब्रीद इन डीपली.
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखों को बंद ही रखिए और बंद आंखों से कल हम लोगों ने जो संकल्प लिया था उसको याद कीजिए अपने मन में। रिमेंबर द संकल्प विच वी टुक यस्टरडे, संकल्प टू रिमेन हैप्पी थ्रू आउट द डे, संकल्प खुश रहने का, आनंद में रहने का पूरे दिन। अपने मन में फिर से उस संकल्प को 3 बार दोहराइए। रिमेंबर एंड रिपीट द संकल्प 3 more times। से टू योर सेल्फ, आई विल रिमेन हैप्पी टूडे। मैं आज पूरे दिन खुश रहूंगा या रहूंगी। 3 बार इस संकल्प को दोहराइए। पूरे विश्वास के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ और प्रयास कीजिए। और जब आप रात को सोने जाएं, उस समय पूरे दिन में जो भी क्रियाएं हुई, गतिविधियां हुई और आपके मन की क्या प्रतिक्रिया रही, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर ऐसा समय आपको मिले जब आप खुश ना हो या किसी कारणवश दुखी हो या गुस्से में आ गए हो, तो कोई बात नहीं, उसको भी आप देखिएगा रात को सोने से पहले। और मन में एक फिर से विचार कीजिएगा कि कल अगर इसी तरह की सिचुएशन फिर से आती है तो मैं इसके बावजूद भी खुश रहूंगा। ऐसी मन में भावना के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। याद रखिएगा अपने संकल्प को, खुश रहने के संकल्प को, और अभी इसी वक्त खुश रहना है, भविष्य में नहीं, वर्तमान में खुश रहना है। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, नॉट इन द फ्यूचर। सो रिमेन हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हरिओम तत्सत। थैंक यू। विश यू हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद स्वामी थैंक यू। स्वामी जी जी। अब हम मिलेंगे नाद योग में अब से 2 मिनट के बाद, तो कृपया मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार अपना ब्राउज़र बंद कर 2 मिनट बाद दोबारा खोलने की कृपा करें। मिलते हैं नाद योग।